India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की अपील पर साकेत कोर्ट ने फैसले को किया स्थगित। कुतुब मीनार की जमीन के तथाकथित वारिस की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया जाएगा फैसला। राजस्थान राज्यसभा चुनाव मामले में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के केस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी हस्तक्षेप। मामले को सीजेआई के सामने मेंशन करने का निर्देश। नीट पीजी 2021 खाली सीटों को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग करने पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने जताई असमर्थता। कहा, विशेष काउंसलिंग से मौजूदा शैक्षणिक वर्ष होगा बाधित। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख को अस्थायी जमानत देने से किया इनकार। ईडी ने कहा, कैदियों के पास मतदान का नहीं है कोई अधिकार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। कुतुब मीनार परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इस पर आज यानी कि 9 जून को कोई फैसला नहीं हो सका। साकेत कोर्ट में एक नई याचिका दायर होने की वजह से कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की मांग वाली अपील पर फैसले का इंतजार 24 अगस्त तक बढ़ गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन का फैसला होने तक जजमेंट नहीं आएगा। हालांकि कुतुब मीनार मसले पर साकेत कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करने का हिंदू पक्ष समेत एएसआई ने विरोध किया। कोर्ट में दोनों पक्षों ने कहा कि नई अर्जी दाखिल करने के पीछे मामले में देरी करने का आधार है। नई अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह तत्कालीन आगरा प्रांत के वारिस हैं और उस लिहाज से दक्षिणी दिल्ली के जमीन के भी वारिस हैं और उस मीनार उसी जमीन पर यह बनी हुई है, लिहाजा इनका पक्ष भी सुना जाना जरूरी है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की स्थापना और पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस मामले पर सुरक्षित रखा गया फैसला अब बाद में सुनाया जाएगा। साकेत कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील में अपना फैसला स्थगित कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद एक मंदिर परिसर के स्थान पर बनाई गई है और उसकी बहाली की मांग की गई थी। वादी ने आरोप लगाया कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उजाड़ दिया गया और उन मंदिरों के स्थानों पर उक्त मस्जिद के निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सिविल जज ने ये देखते हुए वाद को खारिज कर दिया था कि वाद को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिविल जज ने ये भी कहा था कि अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने के आधार नहीं हो सकती और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के ताने बाने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा। कोर्ट ने हालांकि पूछा कि वह कौन सा कानूनी अधिकार है जो अपीलकर्ताओं को अधिकार देता है। इसमें कहा गया कि मूर्ति के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं है, हालांकि सवाल पूजा के अधिकार को लेकर है। जैन ने तर्क दिया कि अपेक्षित आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू समुदाय के संविधान और मौलिक अधिकारों से इनकार करता है। कोर्ट ने तब पूछा कि क्या कानून में कोई मिसाल है जहां पूजा के अधिकार की पहचान मौलिक अधिकारों के रूप में हुई हो। जैन ने जवाब दिया, अयोध्या फैसले में ये माना जाता है कि एक देवता जीवित रहते हैं, वे कभी नहीं खोते। यदि ऐसा है तो पूजा करने का मेरा अधिकार शेष रहता है। उन्होंने कोर्ट से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या मंदिर गिराने के बाद मस्जिद हो सकती है और क्या इसे मस्जिद माना जाएगा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर भगवान गणेश की छवियों सहित कई मूर्तियां मौजूद है। एएसआई ने कहा है कि 1914 से कुतुब मीनार स्मारक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3-3 के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसे इन सीटू की स्थिति में रखा जाता है। इसके अलावा AMASR एक्ट 1958 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी भी जीवित स्मारक पर पूजा शुरू की जा सकती है। ASI के अनुसार इस केंद्रीय संरक्षित स्मारक में पूजा करने के मौलिक अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के तर्क से सहमत होना AMASR एक्ट 1958 के प्रावधानों के विपरीत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वही मतदान से 24 घंटे पहले राज्यसभा राजस्थान चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट अब राजस्थान पहुंच गया है। BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटों को सील कवर में रखने और फिलहाल गिनती में शामिल ना करने की मांग करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अब आज 9 जून को राजस्थान हाई कोर्ट ने BSP विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले पर दाखिल याचिका में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर BSP ने दल बदल कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है जो अभी भी लंबित है। आज इस मामले को जस्टिस MR शाह की बेंच के सामने मेंशन कर मामले पर जल्द सुनवाई की मांग है। इस पर जस्टिस शाह ने कहा कि आप मामले को CJI के सामने मेंशन करें। वकील हेमंत नाहट की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 24 अगस्त 2020 को विधानसभा स्पीकर को दल बदल के मामले में 3 महीने में फैसला लेने के आदेश दिए थे, बावजूद इसके कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। वकील हेमंत नाहट के अपील की और कहा कि इसलिए 10 जून को राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के मतपत्र को तब तक अलग रखा जाए जब तक इस याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता, साथ ही उस दौरान तक चुनाव का परिणाम भी ना घोषित किया जाए। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में BSP के चिन्ह पर 6 विधायक जीतकर आए और बाद में ये सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन विधायकों पर BSP ने दल बदल कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल COVID-19 की खतरनाक दूसरी लहर में अनाथ हुए 6 साल के लड़के का संरक्षण उसके दादा दादी को सौंपते हुए कहा कि भारतीय समाज में हमेशा दादा दादी अपने पोते पोतियों की बेहतर देखभाल करते हैं। लड़के के पिता और मां की मौत अहमदाबाद में 13 मई और 12 जून को हुई थी और बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने लड़के की हिरासत उसकी मौसी को दे दी थी। न्यायमूर्ति MR शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि हमारे समाज में दादा दादी हमेशा अपने पोते की बेहतर देखभाल करेंगे, वे अपने पोते पोतियों से भावनात्मक रूप से अधिक करीब होते हैं और नाबालिग को दाहौद के मुकाबले अहमदाबाद में बेहतर शिक्षा मिलेगी। बहरहाल पीठ ने कहा कि मौसी के पास लड़के से मिलने का अधिकार हो सकता है और वह बच्चे की सुविधा के अनुसार उससे मुलाकात कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि लड़के को दादा दादी को सौंपने से इनकार करने का एकमात्र मापदंड आय नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि लड़का अपने दादा दादी के साथ सहज है, हालांकि उसने बच्चे का संरक्षण इस आधार पर मौसी को दिया था कि वह अविवाहित है, केंद्र सरकार में नौकरी करती है और एक संयुक्त परिवार में रहती है जो बच्चे की परवरिश के लिए अनुकूल होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल NEET PG 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने के लिए किया जा रहा था वह अब बंद हो गया है और इसलिए ये संभवतः स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग आयोजित करके 1456 खाली सीटों को नहीं भर सकता, इससे मौजूदा शैक्षणिक वर्ष बाधित होगा। MCC ने आगे कहा कि दो शैक्षणिक सत्र यानी 2021 और 2022 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती। AIQ के स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के आयोजन करके उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दायर किया है।
हलफनामे में एमसीसी ने आगे कहा कि एमसीसी और भारत संघ ने एनईईटी पीजी 2022 काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये जुलाई के महीने में आयोजित होने की संभावना है। हलफनामे में कहा गया, याचिकाकर्ता की प्रार्थना बहुत देरी से आई क्योंकि ये आगामी काउंसलिंग सेशन के लिए पूरी प्रक्रिया को बाधित करेगा। ये प्रस्तुत किया गया कि दो अकेडमिक सेशन के लिए काउंसलिंग एक साथ नहीं चल सकती। हलफनामे में एमसीसी ने आगे कहा कि पीजी 2021 काउंसलिंग के एआईक्यू स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुल 2025 सीटों की पेशकश की गई थी, जिसके लिए एआईक्यू स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुल 117,945 उम्मीदवारों ने भाग लिया। स्ट्रे वैकेंसी आयोजित करने के बाद भी 1,456 सीटें खाली रह गई हैं, जिनमें से लगभग 1,117 सीटें प्री पैरामेडिकल सीटों से संबंधित हैं, जिनका चयन विभिन्न दौर में काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा नहीं किया गया था। ये भी कहा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा था कि एनईईटी पीजी में नीट पीजी में सीटें खाली छोड़ने से न केवल उम्मीदवारों को मुश्किल होती है बल्कि योग्य डॉक्टरों की कमी भी होती है। चीनी वीजा स्कैम केस में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के सीएस भास्कर रमन को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई के एक विशेष अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाला मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के सीएस भास्कर रमन को जमानत दे दी है। भास्कर रमन को सीबीआई ने मई महीने में गिरफ्तार किया था और इसी मामले में कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ भास्करन को जमानत दी है। 6 फरवरी को भास्करन को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। भास्करन की ओर से कहा गया था कि उन्होंने पहले ही सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने उसे कार्ती के सामने बैठाकर पूछताछ पर सीबीआई ने पूछताछ कर ली है, उन्हें भी जमानत दे दी गई है। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भास्करन के जवाब गैर जिम्मेदाराना और गलत थे, उनसे आगे भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। दरअसल सीबीआई ने पंजाब स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड में कार्यरत चीन के 263 नागरिकों के वीजा मंजूर कराने के लिए 50 लाख रुपए की कथित रिश्वत के मामले में लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के निकट सहयोगी और सीएएस भास्कर रमन को 18 मई को गिरफ्तार किया था। रिश्वत का ये मामला 2011 का है, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। सीबीआई ने भास्कर रमन से पहले पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया था, फिर बाद में कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने लोकसभा सदस्य कार्ति चिदंबरम को चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को 4 दिन की हिरासत में पूछताछ के लिए सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि तलवंडी साबू पार लिमिटेड के तत्कालीन अधिकारी विकास मखारिया ने मनसा स्थित संयंत्र में काम कर रहे 263 चीनी कर्मियों के लिए परियोजना वीजा पुनः जारी कराने के लिहाज से भास्कर रमन से संपर्क किया था। नई दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि समाचार के प्रसार में लगे समाचार पत्र या एजेंसी को सार्वजनिक कार्य के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने प्रकाश सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ एक फ्रांसीसी निजी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी फ्रांस प्रेस के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट राघव अवस्थी ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि एजेंसी फ्रांस प्रेस का गठन फ्रांस की संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है। ये तर्क दिया गया कि उसके आवश्यक कार्यों से संकेत मिलता है कि ये एक स्वायत्त सिविल इकाई है, जिसका गठन फ्रांस के साथ साथ विदेशों में एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण सूचना सेवा के तत्वों की तलाश करने के लिए किया गया है। इस प्रकार ये प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी प्रेस एजेंसी ने स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक कार्य किया, क्योंकि नस्लीय भेदभाव के आरोप लगाए गए थे। रिट याचिका स्पष्ट रूप से झूठ होगी। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि ये सच हो सकता है कि दूसरा प्रतिवादी फ्रांस की संसद द्वारा एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया है, लेकिन ये नोट करना प्रासंगिक हो जाता है कि समाचार के प्रसार में लगे समाचार पत्र या एजेंसी को सार्वजनिक कार्य करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक कर्तव्य को समझ गया है, जो राज्य द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता में किए गए कार्यों के समान है।
वहीं मुंबई की अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा आगामी राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन के लिए अस्थायी जमानत देने की याचिका खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने आज अपना आदेश पारित करने से पहले बुधवार को सभी पक्षों को विस्तार से सुना। मलिक और देशमुख दोनों ने कहा था कि क्योंकि वे विधानसभा के सदस्य हैं और सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के हैं, उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने एक संक्षिप्त जवाब में आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं है। मलिक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने तर्क दिया कि एक आरोपी को वोट देने का अधिकार है। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, किसी व्यक्ति को वोट देने के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए निवारक निरोध नहीं हो सकता है, ये अवैध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेल में बंद व्यक्ति और अस्पताल में भर्ती व्यक्ति के बीच अंतर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मलिक न्यायिक हिरासत में था, जेल में नहीं। इसके अलावा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यदि निर्वाचित सदस्यों को फर्जी FIR दर्ज की गई और परिणाम स्वरूप मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। देसाई ने यह भी तर्क दिया कि मलिक जो मौजूदा मंत्री हैं के चुनाव में मतदान नहीं करने से उनकी राजनीतिक पार्टी पर भी असर पड़ेगा। देशमुख के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अबाद पोंडा ने तर्क दिया कि एक बार हिरासत में रहने के बाद वोट नहीं दे सकते। तर्क सभी मामलों पर लागू नहीं होता बल्कि केवल कुछ श्रेणियों के अपराधों पर ही लागू होता है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तर्क दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार जेल में बंद व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता भले ही वह विचाराधीन हो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने IPC अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल की केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस MS कार्णिक की खंडपीठ ने जायसवाल सहित प्रतिवादियों को 18 जुलाई तक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई 2022 को सूचीबद्ध किया। जनहित याचिका में कहा गया है कि जायसवाल को दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4A के तहत आवश्यक अनुभव नहीं है। ये भी कहा गया है कि उनके नेतृत्व में एक विशेष जांच दल द्वारा की गई जांच के संबंध में सत्र न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट दोनों को द्वारा सख्ती से पारित किया गया था। ये सामग्री जिसका सीधा असर उनकी विश्वसनीयता पर पड़ता है, CBI के निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति द्वारा ना तो रखी गई और ना ही उन पर विचार किया गया। इसलिए जनहित याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 की नियुक्ति के संबंध में रिकॉर्ड और कार्रवाई की मांग करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में सुबोध जायसवाल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका जायसवाल से ये दिखाने के लिए भी कहती है कि वह किस अधिकार के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के पद पर है। अंत में जनहित याचिका में उन्हें निदेशक CBI के रूप में कार्य करने से रोकने का प्रयास किया गया है। जायसवाल 1985 बेंच के IPS अधिकारी हैं। 2002 में करोड़ रुपए की प्रसिद्धि तेलगी स्टैंप घोटाले में SIT का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 2007 में दोषपूर्ण जांच को लेकर SIT और जायसवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में प्रिंसिपल की बर्खास्तगी के लिए बैनर लगाने वाले शिक्षक को कड़ी फटकार लगाई है और प्रिंसिपल को अग्रिम जमानत दे दी। मामला ये था कि प्रिंसिपल ने शिक्षक के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उस पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया। अपीलकर्ता डॉक्टर लेखा विसारिया ने 9 फरवरी 2022 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत FIR दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अक्टूबर 2021 से एक घटना के संबंध में शिक्षक की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता अभियोजन पक्ष पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त न्यायिक उपायों की मांग नहीं कर सकता है। अभियोजन पक्ष रिकॉर्ड पर मौजूद ठोस सामग्री और इसकी जाँच के आधार पर जाँच करेगा। पार्टियों को इस तरह की कृत्यों से बचना चाहिए और अभियोजन पक्ष को कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने की अनुमति देनी चाहिए। अन्य कारण जिन्हें जज ने महत्वपूर्ण माना था वे FIR दर्ज करने में देरी, शिक्षक और प्राचार्य के बीच कथित आपत्तिजनक बातचीत में जाति संदर्भ का अभाव और शिक्षक के खराब प्रदर्शन के बारे में आरोप। शिकायत के अनुसार 2021 में हुई परीक्षाओं में कक्षा 10 के छात्रों की मार्कशीट और मूल्यांकन में कई गलतियां पाए जाने के बाद स्वामी विवेकानंद स्कूल के एक शिक्षक को कथित तौर पर फटकार लगाई गई थी और माफी मांगने के लिए कहा गया था। अन्य शिक्षकों को भी ऐसा करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये आरोप लगाया गया था कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह के बाद प्रिंसिपल ने शिकायतकर्ता को उसकी टीचिंग स्किल को लेकर अपमान किया था।
और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।